padre. ब्राउन कलर में होगी है तो बाहर रखिए बातें पहन वीडियो रखी तो वो बाहर रखी तो जैकेट ठंडियाँ लगती है लेकिन इतनी नहीं लगती बाहर तो बहुत ज़्यादा लगती है बाइक पर तो लगेगी देखो भाई तरफ अब जो जाए ना देख लो बात नहीं करनी अभी देख लो जरा हम नाम देख लो पहले इसके अब ओए बार बार नहीं बताऊंगा कि चुप चुप समझ क्या करने पर लग रहा है इसका पता नहीं चल रहा है अबे इसके साथ तुम्हारी समझ में आ जाएगा अगर जो मैं यहाँ कर दूंगा तो फिर हम सबसे पहले जो है ना वो पहचानते हैं क्रियात्मक समूह कि क्रियात्मक समूह है कौन सा क्योंकि नियम ये कहता है शुरू के जो अब से तुमने दो नियम लिखे हैं इससे पहले के नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह होता है हमेशा क्रियात्मक समूह का अनुलग्न लिखते हैं अगर दो होंगे तो जिसकी कम भरीता होगी उसका पूर्व लगन लिखेंगे बाकी अनुलग्न लिखेंगे लेकिन हर कोई अपना अनुलग्न लगवाना चाहता है कहने का मतलब ये बाद में नाम लिखवाना चाहते हैं अब पहले सबसे पहले कोई सा भी जितने भी तुम्हें यौगिक हैं उसमें तुम्हें देखना है कि क्रियात्मक समूह कौन से हैं और हैं तो एक ही है एक से ज़्यादा भी हैं तो अभी इसमें देखेंगे सबसे पहले क्रियात्मक समूह की पहचान होनी चाहिए ये है क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड होता है सामान्य नाम इसका आईयूपीएसी नाम इसके दो होते हैं पूर्व लगन इसका ऑक्सो होता है और अनुलग्न जो होता है वो अल होता है ये अभी कोई जो इससे बड़ा वाला नहीं है तो ये अपना खुद ही अनुलग्न लगवाएगा अगर कोई इससे ऊपर वाला नाम होता ना तो इसका पूर्व लगन आता फिर वो अभी बाद में पता चल जाएगा तो अभी देखो था नंबरिंग हम उस ओर से करेंगे जिस ओर से क्रियात्मक समूह नज़दीक पड़े चाहे वो शुरू में ही हो और नंबरिंग कार्बन पर करती है तो देखो उधर किसी किसी क्रियात्मक समूह में कार्बन होता है तो नंबर उधर से होगा इसके ऊपर से ही होगा अब जैसे क्रियात्मक समूह ये एमीन है तो इसके ऊपर से नहीं होगी नंबरिंग नंबरिंग तो कार्बन के ऊपर से होती है हाँ अगर कार्बन है तो गिना जाएगा एक दो तो दो कार्बन के लिए नाम आता है एथ सब में सिंगल बंद है तो एथेन अब इसके बाद में कौन से नंबर पर क्रियात्मक समूह हम कहेंगे पहले नंबर पर है अल वाला तो ये तो हो गया इसका नाम अब इसे एक साथ लिखना चाहोगे ना तो वन पहले लिख दो और एथेनल लिख देते हैं तो ये भी सही होता है ये भी सही होता है कौन सा भी लिख दो
अब बात करते हैं दूसरे वाले की, तो क्रियात्मक समूह पहचानेंगे इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है। तो इसमें है क्रियात्मक समूह ये, जब ये क्रियात्मक समूह है तो नंबरिंग करेंगे हम इधर से जिधर से नजदीक पड़ता है, तो यही नजदीक पड़ता है ये तो खुद अपने ऊपर से नंबरिंग करवाता है। 1, 2, 3, 4, 5 पांच कार्बन के लिए नाम आ जाता है पेंट, सब में सिंगल बंद है तो पेंटेन, अगर कहीं डबल बंद होता ना तो पेंटिन हो जाता, या ट्रिपल बंद होता पेंटाइन हो जाता, तो पेंटेन आ गया है। अब पहले पे ही है COOH के लिए क्या नाम होगा, बड़ी दस घड़ी खोल लो सबके सब अपनी अपनी, मैं कह रहा हूँ देख के कर लो जरा, तो जी सामान्य हम OH का अम्ल यूज़ करते हैं, पूर्व लगन का भी कोई जिक्र नहीं है, अभी सब अनुलगन का काम चल रहा है। पूर्व लगन तब आता है जब दो क्रियात्मक समूह या तीन या चार पाँच होते हैं, तब की बात है। तो पहले के लिए आ जाते हैं, अब मतलब इसके लिए इसका अनुलगन आता है OH अम्ल, या इसका हम नाम लिखना चाहेंगे तो वन तो पहले लिख लो इसका पेंटेनोइक अम्ल, पेंटेनोइक अम्ल। अभी इधर देख लो, हमें कहेंगे 1, 2, 3 देखो इधर तीन कार्बन के लिए होता है, अब हम नंबरिंग इधर से कर लें तो भी दूसरे पर ही आ रहे हैं, इधर से कर लें तो भी दूसरे पर ही आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, किधर से कर लें। प्रोपेन हो जाएगा, सब में सिंगल बंद है प्रोपेन हो जाएगा, और जी दूसरे पर है OH के लिए क्या नाम आता है ओल, तो आप इसका नाम अगर तुम लिखना चाहोगे और दूसरा करके या करके, तो टू तो पहले ले लेंगे हम, प्रोपेनोल नाम हो जाएगा। इधर देख लें क्रियात्मक समूह पहचानेंगे कौन सा है, तो आप नंबरिंग इसके ऊपर से नहीं करनी है जी, नंबर हमेशा कार्बन के ऊपर से होता है, तो 1, 2, 3, 4 कौन सा टाइम है भाई तुम्हारे आने का, तो जी नंबरिंग हमें उस ओर से करेंगे जिस ओर से क्रियात्मक समूह नज़दीक पड़ेगा, और हमारे पास ये हैं क्रियात्मक समूह 1, 2, 3, 4 चार के लिए नाम आ जाता है ब्यूटेन, और एमीन, या करके हम नाम लिखेंगे वन पे पहला आ जाएगा ब्यूटेन, और ऐसे लिख सकते हैं ब्यूटेन एमीन, अब बात आ रही है इसकी, तो ये पहले कार्बन से जुड़ा था ये, इसलिए वन पे एमीन आया। अब इसमें देखेंगे क्रियात्मक समूह कौन सा है, अब इसमें क्रियात्मक समूह जो होता है ना वो ये अल्कोहल कहलाता है ये, लेकिन वो सामान्य नाम होता है अल्कोहल, इसका अनुलगन होता है ओल होता है, पूर्व लगन हाइड्रोक्सी होता है, पूर्व लगन का भी कोई काम नहीं है, अभी जब सिंगल अकेला ही है राजा खुद ही, तो अनुलगन नहीं आएगा सबका, और नंबर को दर्शन करेंगे जैसे ही नजदीक पड़े इधर से करेंगे 1, 2, 3 पर आ रहा है, इधर से 1, 2 पर आ रहा है, तो नंबरिंग इधर से करेंगे। नंबरिंग हम किसी भी ओर से कर सकते हैं, बस उधर से करते हैं जिस ओर से क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ता है। हाइड्रोजन ऐसा भी होता है क्या, तो हाइड्रोजन पर लिखा जाएगा तो यहाँ लिखा जाएगा, देखो अंतर बुझदी भाई। अब 1, 2, 3, 4 चार कार्बन के लिए आ जाता है ब्यूटेन, और जी टू ओल इतना आ जाता है, इसका अगर तुम एक साथ नाम लिखना चाहोगे तो टू पहले ले लो, ब्यूटेनोल हो जाएगा, ब्यूटेनोल, हाँ क्योंकि नंबरिंग तो लिखनी जरूरी है, अगर जो नंबर नहीं लिखे तुमने तो पता कैसे लेगा कि OH कहाँ जुड़ेगा, ऐसा भी हो सकता है। देखो क्रियात्मक समूह कौन सा है इसमें, क्रियात्मक समूह ये
क्या नाम होता है सीओ के लिए? ओन नाम होता है, लेकिन ओन हम किधर से करेंगे? एक दो तीन चौथे पर है, इधर से करेंगे एक दो तीन चार पाँच, इधर दूसरे पे आ रहे हैं। तो पांच कार्बन के लिए नाम होता है पेंटेन और दूसरे पर आ जाएगा ओन, इस क्रियात्मक समूह की वजह से ओन। या करके इसका दूसरा नाम भी आ जाता है कि टू पहले ले लो पेंटेनोन। इधर देख लो, इधर से कर लो, इधर से क्रियात्मक समूह ये नाइट्रो वाला ग्रुप है, एक दो तीन। अब इसमें जो है इसका अनुलगन नहीं होता, जब अनुलगन नहीं होता तो फिर पूर्व लगन होगा। तो अब पूर्व लगन का मतलब क्या, पहले तीन कार्बन के लिए नाम देखो, तीन कार्बन के नाम होता है प्रोपेन। अब इसका अनुलगन नहीं होता नाइट्रो का, तो पूर्व लगन होता है, पूर्व लगन कार्बन के नाम से पहला आता है, तो कौन से पर है? दूसरे पर, तो टू नाइट्रो प्रोपेन, नाइट्रो पहले, क्योंकि अनुलगन होता नहीं है। इधर देखो, इसमें देखेंगे क्रियात्मक समूह कहाँ है, ये जब ये है तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे एक दो तीन, तो चौथे पर आ जाएगा, तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे, ये खुद भी कार्बन वाला है, तो एक दो तीन चार। तो जी चार कार्बन के लिए नाम आ जाता है ब्यूटेन, ब्यूटेन, और वन पर आ जाता है ऑइल, का नाम अगर तुम या करके लिखना चाहो दूसरा, तो वन पहले ले लो ब्यूटेनोइल क्लोराइड, और ये जी ये होते हैं तुम्हारे आईयूपीएसी नाम। अभी सिंपल वाले चल रहे हैं, फिर दो दो तीन तीन चार चार क्रियात्मक समूह एक साथ आएंगे, फिर और टिपिकल होते चले जाएंगे। तो ये और याद रखना, करेगा वही जिसे टेबल पता है, बिना टेबल के तुमसे एक नाम भी लेगा नहीं जरा, कोई ट्रिक नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, वो मेहनत पर डिपेंड करती है। जी दादा गलो दादा,
देखो भाई, देख लो अब इधर, देख लो इधर इधर, अब पहले देख लो, एक साथ उतार लेना फिर। अबे ये क्या कर रहा है ये, कान नीचे गर्दन, इसका नाम बताइए ऊपर वाले का, इससे कह रहा हूँ बता, हाँ बताओ क्या करेंगे, पहला स्टेप बताओ। यहाँ ना काम आगा मोबाइल वोबाइल की, यहाँ तो पढ़ाई ही काम आती है बस। हाँ जी पड़ोसी बताइयो, तुम ही बता दो। हाँ जी सबसे पहला वाला बता दो, किसवा क्या करें। खाली बातों से काम थोड़ा चलता है। हाँ जी हरपुरियो दोनों क्या करें, पकी पकाई खिचड़ी तो कोई भी खा लेता है, पकानी आनी चाहिए, खाना तो बहुत दूर की बात रही। हाँ जी बीच वालों, वो झाड़ में क्यों पापड़ बेलने पे लग रहे हो, पूछना आता तुम क्या बात है पढ़ाई का। अब तो एक बात आओ, ये मैं अपने लिए पढ़ा रहा हूँ क्या, जो तुम लोगों को पता नहीं चल रहा है क्या नहीं हो रहा है, अगर तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा तो पूछो, और पूछ नहीं रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारी समझ में आ रहा है, जब समझ में आ रहा है तो फिर बताओ कुछ तो करो। यहाँ से मुर्दों की तरह बैठने से, यहाँ से गाली देखने से, जिंदा लाश से बैठ जाओगे, फायदा थोड़ा उससे। हाँ जी ब्यूटेन नाइट राइड, नाइट ट्रायल, चलो नाइट ट्रायल, कुछ किधर से नंबरिंग, किधर से क्या डायरेक्ट। अब देखो इधर, सबसे पहले उसमें देखेंगे क्रियात्मक समूह, वो दिखाई दे रहा होगा सबको क्या है क्रियात्मक समूह। ये होता है क्रियात्मक समूह, ठीक है जी। अब इसमें नंबरिंग करेंगे हम इधर की साइड से, एक दो तीन चार, साइनाइड में कार्बन होता है इसलिए इसे कार्बन काउंट किया जाएगा। अब ये हो गया, हाँ चार कार्बन के लिए हो गया ब्यूट, सब में सिंगल बंद है तो ब्यूटेन आ गया। अब क्रियात्मक समूह का नाम लिखना होता है तो वन पे है नाइट्राइल, चाहो तो वन इसमें से कॉमन लेके एक तरीके से बाहर ले लेते हैं, ब्यूटेन नाइट्राइल। ब्यूटेन नाइट्राइल क्या हो गया, अब देखना होता दूसरे वाले में क्या जी क्रियात्मक समूह पहचान, दूसरे में क्रियात्मक समूह यहां से लेके यहां तक नजर मार के तुम देखो क्रियात्मक समूह क्या है भाई। CONH2 और वो समीर वो बता रहा है जो पिछले दो दिन से आ नहीं रहे, और तुम दो दिन से आ रहे हो और तो बता रहे तो नहीं बताया जा रहा, क्या फायदा जी पढ़ाई का। लोग हाथ ऐट रहे हैं, ठिठरे फिर रहे हैं, मोबाइल हाथ में पकड़ लें तो उससे गरमाई आ रही है। अब देखो इधर क्रियात्मक समूह नंबर यहाँ तो होगी एक दो तीन चार, अब चार कार्बन के लिए नाम आ जाता है ब्यूटेन, या करके अपना आप लिख देना वन ब्यूटेन अमाइड, बात मत करो देख लो इधर, इसमें नंबरिंग किधर से भी कर लो, एक दो तीन ये है क्रियात्मक समूह। अब बोल क्यों रहे हो, देख लो आप पहले मैं ये कर रहा हूँ उसके बाद देख लें, देखो इधर बोलो मत देखो इधर। अब तीन कार्बन के नाम आ जाता है प्रोपेन, टू ओन, और बाहर कॉमन ले लो तो प्रोपेन नॉन हो जाएगा टू पे आ गया, पता चला कैसा हो जाएगा टू आगे लेकर, वो आप नाप कर लेना। अब देखो इधर इसमें क्रियात्मक समूह जो है, अब ये क्रियात्मक तुम लाइन मत खींचना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये क्रियात्मक समूह है, नंबरिंग इसमें करेंगे तो नंबरिंग इधर से तो तीसरे नंबर पर आ रही है, इधर से दूसरे पर आ रहा है, तो पहला दूसरा ये तीसरा ये चौथा,
तो इसमें कैसे करते हैं? ये स्त्री को क्यों ले रहे? नहीं वो तब है जब साइड से लगा होगा, अभी पता चल जाएगा कब आएगा वो। ये स्त्री तब होता है जब नंबरिंग से नीचे आ जाए, जैसे नीचे साइड में लगा हुआ होगा। तो अभी आ जाएगा चार ब्यूटेन, अभी कोई दूसरा एग्जाम मिला तब बताऊंगा तुम्हें। देखो ब्यूटेन और दूसरे पर हैमीन, इसमें पहचान लो क्रियात्मक समूह क्या है। देखो उधर ये है क्रियात्मक समूह, इसके ऊपर से नंबरिंग नहीं होगी क्योंकि कार्बन नहीं है। तो कोई भी डाउट में ऐसा ना रहे कि ये एच से जुड़ा है। दरअसल ये ऐसा जुड़ा होता है कि हाइड्रोजन इसके यहाँ खुले होंगे और ये ऐसा जुड़ा होगा, ऐसा जुड़ा होता है ये। हर कोई कार्बन से जुड़ा है इसमें। अब नंबरिंग यहाँ होगी, एक दो तीन चार, ब्यूटेन वन ओल, ब्यूटेन वन ओल। यहाँ देखो सर, इधर से तो एक दो तीसरे पे आएगा क्लोरो, एक दो दूसरे पे तो एक दो तीन चार, चार के लिए आ जाता है ब्यूटेन। आप समझ सही है कि क्लोरो जो है ना बाद में इसका अनुलग्न नहीं होता है, तो टू पर क्लोरो आ जाएगा, टू क्लोरो ब्यूटेन। अब इधर देख लो, एक दो तीन चार पाँच छः, यह है क्रियात्मक समूह और बड़े तसाने में सबसे परेशानी इसी गई है। और जब अब इसमें देखेंगे तो छः है, छः के लिए तो नाम आ जाएगा हैक, हेक्सेन वन ही कम हो जाएगा। अब इधर क्रियात्मक समूह ये है तो नंबरिंग उधर से नहीं होगी, अब नंबरिंग इधर से ही होगी इसी के ऊपर से, एक चार। हाँ CH3 तब होता जब ऐसा होता साइड में नंबरिंग से बच जाता, अभी नंबर के अंदर आ गया कार्बन, समझ गया। ऐसा तो CH3 हर किसी में, तो तब वो मैथिल बोला जाता, अभी उसके अंदर है तो ये अभी ब्यूटेन के साथ बोला जा रहा है, मतलब कार्बन का नाम इस कार्बन का उसके अंदर आ गया कार्बन के। एक दो तीन जो है ब्यूटेन है और वन पर नाइट्राइल है। इसकी बात करें दो कार्बन ही है, एक और दो, दो कार्बन के नाम होता है एथेन, एथेनॉल, जैसे वन एथेनॉल कह सकते हैं। ये वही वाली होती है देसी वाली, देसी दारू बिल्कुल कच्ची वाली, खाए खड़े वाली। एक दो तीन चार, यह है क्रियात्मक समूह, यह है क्रियात्मक समूह और चार कार्बन है। देखो ब्यूटेन, वन अल, ठीक है जी। तो ये उतार लेंगे और उतारने के बाद में ये और लिख देंगे,
जी उतार लो, क्या मोबाइल हो रहे हैं।